नमस्कार, न्यूज़ आई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अगर आप पान, गुटखा, तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी का सेवन करते हैं तो आपके लिए ये खबर बुरी साबित हो सकती है। वैसे तो ये सब चीज़ें सेवन करना आपकी सेहत के लिए ख़राब तो है ही, लेकिन अब जो न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उस न्यूज़ से कहीं ना कहीं आपको बुरा ज़रूर लगने वाला है। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ कि जो ये सिगरेट आप देख रहे हैं या आप बीड़ी, तंबाकू इत्यादि देख रहे हैं, अब इन पदार्थों का सेवन करने के लिए पहले की तुलना में अब अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है, यानी इनका सेवन पहले की तुलना में और महंगा हो सकता है। दरअसल सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर यानी GST मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है। सेस की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है। ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। तो वहीं पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू पर लगने वाले ये नए दर सीमा वित्त विधेयक में किए गए 75 संशोधन में से एक है। तो तैयार हो जाइए 1 अप्रैल से अपनी जेब ढीली करने के लिए, अगर आप इन सब चीज़ का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। साथ ही हो सके तो हम आप लोगों से यही अपील हमारी रहेगी, जो न्यूज़ आई है वो आपसे यही अपील करता है कि जो ये नशीले पदार्थ होते हैं इन चीज़ का सेवन ना ही करें तो बेहतर है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।